हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग वर्कबुक क्लास सेकेंड एंड फर्स्ट के लिए ओलंपियाड एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है पैटर्न। पैटर्न से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके पीछे कौन सा रोल काम करते हैं, इसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स नंबर वन टॉपिक है हमारा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं टाइप वन, हाउ टू फाइंड द मिसिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म नंबर लाइन एंड फिगर, नंबर लेटर और फिगर इन सीरीज टू कंटिन्यू द गिवन सीरीज। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ सीरीज, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट ऑब्जर्व द पैटर्न यूजिंग ऑपरेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन स्किप काउंटिंग एंड रिवर्स काउंटिंग। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज आइदर फ्रॉम ए टू जेड और जेड टू ए। एंड नेक्स्ट नंबरिंग और अल्फाबेट्स आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम ए और स्टार्टिंग फ्रॉम जेड एंड स्किपिंग लेटर। इन सारे नियमों को फॉलो करते हुए हम पैटर्न्स देखते हैं कि पैटर्न्स किस प्रकार चल रहे हैं। टाइप टू, हाउ टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न्स में हम नंबर मिसिंग नंबर को फाइंड करते हैं। टू फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ नंबर पैटर्न आइडेंटिफाई द रूल फॉलो इज द गिवन टर्म्स ऑफ द पैटर्न यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड टेबल्स। And third type, how to find the missing part of figure pattern. Complete the figure pattern by drawing its incomplete part in the pattern. Type 3 प्रकार के patterns में कुछ figure pattern होते हैं जिसे हम pattern को incomplete pattern को पहले वाले previous pattern को देखते हुए complete करते हैं। For example के द्वारा हम समझेंगे। Look closely at the figure in the boxes below, find the rule follow in the pattern and the missing figure. Looks closely at the figure and carefully triangle, square, circle, square, triangle, फिर square, circle, small circle. Next figure क्या आएगा? Correct answer is option B. Each figure in row repeat itself after three figures. Figures 1, 1, 2, 3 and repeated picture 1. Fir 1, 2, 3 and repeated picture after three figures. So, correct answer is option B. Next example ko pehle hum samjhenge. Find the rule follow in the figure pattern and the missing figure. Look at picture carefully, 1, 2 and 3, 4th question mark. Explanation, answer C. Each figure is formed by adding one sort numbers, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, correct answer is option C. Each figure is formed by adding one sort number, sort line on the slanting line. So, the missing figure is ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर पैटर्न टू इफ द सीरीज द बोथ पैटर्न्स फॉलो द सेम रूल, पैटर्न वन एंड पैटर्न टू। ऑब्जर्व द पैटर्न फॉलो द पैटर्न वन, बी कैन गेट द मिसिंग टर्म्स पैटर्न टू। 68 प्लस 11 इजकल टू 79, 79 प्लस 11 इजकल टू 90। Then second pattern, same rule follow. So 29 plus 11 is equal to 40 and 40 plus 11 is equal to 51. So correct answer is option D, 51. Next example हम देखेंगे, complete the number patterns. इसमें दो pictures दिए गए हैं, triangles and a square। इसके अंदर number दिए गए हैं 6, 24, 4, 16, 9, 36, 8, 32. 11 question mark, option 40, 34, 44 and 54. इसके explanation देखेंगे। Number in the square is found by adding the number in the above
triangle 4 times. 24, 6 plus 6 plus 6 plus 6. 4 times 6 repeated and add. It's equal to 24. So 16 is equal to 4 plus 4 plus 4 plus 4. 36, 9 plus 9 plus 9 plus 9 and 32. 8 plus 8 plus 8 plus 8. So 44, 11 plus 11 plus 11 plus 11, 44. So correct answer is option 44. Correct answer is option C. अब हम exercise करेंगे. 1, 2, 3, which is the next figure? Question number 1 से 3 तक में figures question है, जिसको हम देखेंगे ये कौन से pattern या कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं. लुक एट पिक्चर केयरफुली. वन एंड टू स्माइल एंड क्राइंग स्माइल एंड क्राइंग स्माइल का डायरेक्शन नेक्स्ट इधर है तो ये इधर चेंज हो गया है, ये इधर है फिर इस तरफ लेफ्ट है तो राइट चेंज हो रहा है. वन टू थ्री आफ्टर थ्री पिक्चर इज सेम रिपीटेड. So, is figure repeated itself after three figures? So, 1, 2 and 3. तो ये picture हमारा repeat हो रहा है. So, अब हम देखेंगे question number 2. Circle, circle के अंदर triangle है, फिर square, circle, triangle, square. इसमें भी हमारा picture जो है, first picture after दो picture के बाद repeat हो रहा है. फिर हमारा ये दो पिक्चर के बाद नेक्स्ट पिक्चर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दो पिक्चर के बाद ये रिपीट होगा. अब हमारा ये पिक्चर खाली है, नेक्स्ट पिक्चर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सर्कल एंड ट्रायंगल. तो नेक्स्ट इस पिक्चर के पहले हमारा क्या हो रहा है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, स्क्वायर एंड ट्रायंगल. This is correct answer. अब question number हम 3 देखेंगे. ये pictures दिया गया है, ये monkey है, ये girls है, ये teddy है. मान लेते हैं ये 3 की series हो रही है, फिर ये 3 की series हो रही है, फिर next ये 3 की series हो रही है, फिर ये series हो रही है. तो picture मान लो 3 patterns जो है वो repeat हो रहा है 1 से 3. यानी एक पिक्चर शोर का रिपीट हो रहा है तो यहाँ आया, तो फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड टू फोर हो रहा है, तो नेक्स्ट पिक्चर हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पिक्चर में 1 में नंबर में क्या है, मंकी. तो ऑप्शन करेक्ट इज हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी मंकी यहाँ पर रिपीट हो जाएगा. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन पैटर्न. 21, 31, 41 and 51 एंड नेक्स्ट वाट. अब हम देखेंगे पैटर्न नंबर्स कौन सा है. अब यहाँ देखते हैं 21 प्लस 31 यानी प्लस 10 हम करते हैं तो 31 हो गया, यानी 21 प्लस 10 इजकल टू 31. फिर 31 प्लस 10 इजकल टू 41. 31 प्लस 10 इजकल टू 41. फिर 41 प्लस 10 इजकल टू 51. तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, 51 प्लस 10 इजकल टू 61. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 61. हर नंबर में प्रीवियस नंबर के साथ 10 जुड़ रहा है. वी गेट ईच नेक्स्ट नंबर्स बाय एडिंग 10 टू इट्स प्रीवियस नंबर. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द मिसिंग नंबर. ये ट्रायंगल दिया गया है 12. 2, 3 प्लस 5 इजकल टू 12. 1, 7 प्लस 2 इजकल टू 12. 3, 5, 2 प्लस 4 इजकल टू 13. एंड 1, 3 प्लस 6 इजकल टू क्वेश्चन मार्क. हमें ये देखना ये कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहा है. तो इसमें हम देख लेते हैं, इधर से हम स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से. 5 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 5 प्लस 3 8 टू 10. 10 प्लस 2 इजकल टू 12. नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 1 प्लस 7 प्लस 2 इजकल टू 10. 10 प्लस 2 इजकल टू 12. इस प्रकार ये 12 नंबर आ रहा है.
थर्ड हम इसमें देखते हैं 5 + 2, इधर से हम ले रहे हैं ऐसे 5 + 2 + 4 इक्वल टू 4 × 2 = 6, 6 × 5 11, 11 + 2 इक्वल टू 13। इसमें भी हम 13 जोड़ रहे हैं, यानी ये कॉर्नर से नंबर को लेते हुए प्लस टू उसमें ऐड करने से हमें नीचे वाला नंबर प्राप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 1 + 3 + 6 इक्वल टू 10 + 2 इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है 12। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 12। बॉटम नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 इन द सम ऑफ कॉर्नर नंबर्स। सो दिस पैटर्न इज फॉलो एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 12। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो एंड वर्कशीट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।